तो बात करेंगे गीता कोड़ा की। गीता कोड़ा कांग्रेस की सांसद थीं, लेकिन आज वो बीजेपी में आ गई और चाईबासा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया है, ऐसे मौके पर उन्होंने एक बड़ा झटका दिया है। कहा जा रहा था, कयास पहले से लगाए जा रहे थे, क्योंकि पार्टी की बैठकों में आने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया था। और अब जब वो सामने आई, तो हालांकि कुछ दिन पहले उनका बयान आया था, लेकिन उस वक्त तक वो लगता है उहापोह की स्थिति में थी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी इस मौके पर मौजूद रहे और भी बीजेपी के कई नेता और विधायक वहां मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मदन है। मदन, गीता कोड़ा का बीजेपी में आना कितना बड़ा एक ये कदम कहा जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में थी झारखंड के लोकसभा सीटों में से, वो भी अब चली गई। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका है ही, साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए भी एक तरह से बड़ा झटका है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, और ऐसे में उससे पहले ही कांग्रेस और जेएमएम को एक बड़ा झटका कहे। हालांकि देखिए ये विरोध और एक तरह से सीट को लेकर के जो खींचतान चल रहे थे, उसी का ये नतीजा है। गीता कोड़ा को पहले से ये आशंका थी कि जिस तरह से जेएमएम के 5 विधायक जो कि चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं जीतकर, उनका प्रेशर जो है जेएमएम पर था कि वो लगातार ये कह रहे थे कि जब हमारे विधायक इतने हैं, हमारे कार्यकर्ता इतने हैं, हमारा संगठन जब इतना मजबूत है, तो आखिर फिर ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में क्यों है। विरोध का स्वर जो है वहीं से उठना शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा गीता कोड़ा को आश्वासन मिलता रहा था कि आप जो है बने रहें, ये सीट जो है हमारे खाते में है और हम इसे बरकरार रखेंगे। लेकिन आखिरी वक्त तक जब सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के आलाकमान से जेएमएम के नेताओं ने मुलाकात की, तो वहाँ दावेदारी जेएमएम की मजबूत दिखी, मजबूती से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। इसके बाद लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि गीता कोड़ा जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकती है, लेकिन फिर एक बार बीच में कई कार्यक्रमों से दूर होते हुए, कांग्रेस के जो कार्यक्रम हुए थे उससे दूर रह करके अचानक से जब गुलाम मीर यहाँ के प्रभारी बनते हैं, उसके बाद जब न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए यहाँ पर बैठक होती है उसमें गीता कोड़ा पहुँचती है, तब ये माना जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, उनकी नाराज़गी दूर हो गई, अब वो कांग्रेस के साथ है। और उन्होंने आश्वस्त किया था, मीडिया ने उनसे कई सवाल किए थे कि खबरें लगातार आ रही है कि आप बीजेपी का दामन थाम रही हैं, आप कई कार्यक्रमों से अपनी दूरी बनाए रखे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर आश्वस्त किया था कि नहीं, सब जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, हमें टिकट मिले या ना मिले, हम जो है पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव होता है, जब आपके हित की बात हो तो आप एक तरह से अपना अलग बात करते हैं, जब आपको लगता है कि कहीं नुकसान पहुंचने वाला है तो फिर अपने स्वर बदल लेते हैं। ये भी राजनीति की अपनी चरित्र है, और यही तस्वीर जो है लगातार चुनाव के वक्त में देखने को मिलता है। जब तक आप किसी एक पार्टी में रह करके उसका गुणगान करते हैं, और ठीक चुनाव से पहले अगर आप दूसरा दल का दामन थामते हैं, तो फिर उनका गुणगान करने लगते हैं और सारी बुराइयां जो है उसके सामने आती है। आज देखिए इसी को लेकर के अब आरोप का दौर भी शुरू हुआ है। जब गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई है, तब सत्ता पक्ष के विधायक और नेताओं के द्वारा यह आरोप लग रहा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर जो है डरा करके लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है, और अब एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है बीजेपी कि कोई भी दाग अगर आपके ऊपर है तो बीजेपी में आइए, वो दाग धुल जाएंगे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से भी अब निशाना जो है साधा जा रहा है, और कहा जा रहा है कल तक आपके पाले में था तो सब कुछ अच्छा था, आज मेरे पाले में आ गया तो सब खराब हो गया। तो अब सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होता है, क्या सच में जेएमएम के नेताओं की जो दावेदारी थी वो चाईबासा लोकसभा का सीट क्या जेएमएम के खाते में जाता है, या फिर कांग्रेस अब भी अपने हिस्से में उसे रखता है। बिल्कुल मदन, कहा यह जा रहा है चूंकि हो समुदाय से गीता कोड़ा आती हैं और मधु कोड़ा भी उसी समुदाय से हैं, और इस समुदाय की एक अच्छी खासी आबादी है और कई समीकरणों को ये समुदाय प्रभावित करता है। लोकसभा के साथ साथ कई विधानसभा सीटों पर भी ये समीकरण जीत दिलाने वाला समीकरण होता है। शायद यही वजह है कि हो समुदाय के मधु कोड़ा और गीता कोड़ा को बीजेपी में लाया गया है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। देखिए चाईबासा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो लक्ष्मण गिलुआ के जाने के बाद बीजेपी के पास एक खाली स्थान था, एक बड़ा नेता और बड़ा चेहरा वहां पर था, वहां से जो भी तो भी जरूर आते हैं, लेकिन
उनका एक तरह से कहें तो वो प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाया जो लक्ष्मण गिलुवा ने किया था। तो जो कमी थी और गीता कोरा के आने के बाद जो बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई थी, अब जब बीजेपी में गीता कोरा को शामिल करा लिया गया है तो यह तय माना जा रहा है कि हो समाज जिसके नेता मधु कोरा माने जाते हैं उनका समर्थन जो है वो बीजेपी को मिलेगा और लोकसभा के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक मजबूत स्थिति देखने को लिए बीजेपी की मिलेगी। तो जो 5 सीट पर लगातार एक तरह से कहें तो जेएमएम ने जीत हासिल की, इससे उसे भी रोकने में बीजेपी को कामयाबी हासिल हो सकती है कि अगर हो समाज का वोट सीधे बीजेपी को मिल जाता है तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम भी बदलेंगे और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में मैदान में उतरेगी। ये एक कहा जा रहा था, देखिए अगर आप झारखंड में लोकसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो जब मिशन 2014 की शुरुआत हुई, 2024 की शुरुआत हुई, 14 सीट झारखंड में जीतने के फॉर्मूले तय किए गए तो सबसे पहला प्रचार का अभियान चाईबासा से ही शुरू हुआ और गृह मंत्री अमित शाह जो है वहीं पर चुनावी सभा को शुरुआत किए थे। तो ये कहा माना जा सकता है कि निशाने पर सबसे पहले बीजेपी का चाईबासा था जिसे बीजेपी ने साधने में कामयाबी हासिल की है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखने वाली बात और मधु कोड़ा समीकरणों को कहां तक प्रभावित करते हैं और कितनी सीटें लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की कितनी सीटों को प्रभावित